कार्यक्रम में दिखाई गई खबरें पूरी तरह वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन इन खबरों के पूरी तरह सच होने का दावा भी हम नहीं करते। खबरों को प्रस्तुत करने से पहले पीड़ितों से सहमति ली गई, दिखाई जा रही खबरें या मामले व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं, जिसके पीछे लापरवाही जागरूकता की कमी भी वजह हो सकती है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी पीड़ितों का मार्गदर्शन कर न्याय दिलाने की। कार्यक्रम के दौरान किसी भी वैधानिक संस्था की अवमानना का समर्थन JK247 न्यूज किसी भी रूप में नहीं करता है। सभी लोग अपने सपनों का आशियाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक आलीशान मकान हो, जिसमें उसका छोटा सा परिवार आरामदायक जिंदगी जी सके। आज के इस दौर में रियल एस्टेट कंपनीज लोगों के इस सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भागीदारी निभा रही है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की कमी है। लोग बस पैसे देकर बैठे बिठाए सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के इस सपने को साकार करने की आड़ में कुछ रियल एस्टेट कंपनीज अपनी रोटियां सेक रही हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। रियल एस्टेट का कारोबार खूफल रहा है, वहीं कुछ कंपनियां लोगों के साथ धोखाधड़ी कर अपना पेट भरने में लगी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के GDP में रियल एस्टेट का बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बावजूद माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोग परेशान हैं, मकान के नाम पर ठगी की जा रही है, लेकिन अब वो जाए तो जाए कहां। लोगों की तकलीफों को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में घोटालेबाजों को सबक सिखाने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक पहल की गई, और यह पहल की है रियलिटी मीडिया ने। सिर्फ कुछ ही महीनों में रियलिटी मीडिया ने रियल एस्टेट सेक्टर के कई बड़े बड़े घोटाले उजागर कर दिए, और रियलिटी मीडिया के इस बुलंद आवाज से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रियलिटी मीडिया के इस मुहिम से मकान की आड़ में ठगी का शिकार हुए लोगों से एक बार फिर से इंसाफ की आस जगी है। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश रियलिटी मिरर, रियलिटी मीडिया प्रेजेंट्स, और इसमें जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे ध्रुव शर्मा, रियलिटी मीडिया के CEO। वंस अगेन आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू रियलिटी मिरर प्रॉपर्टी का आईना। इन टुडे शो वी हैव पंकज जी विद मी। Last week, we talked about how realitymedia.in is working for the betterment of real estate in India and exposing the untouched aspects of this sector. So in lieu of that, in today's show, we will be discussing about what are the views and thoughts given by government officials and policymakers for real estate sector. यहाँ बिल्कुल सबसे पहले हम जानते हैं अब मिस्टर संजीव डागर से, जो जाने माने एडवोकेट भी हैं, रेरा कानून को लेकर उनका क्या मानना और इसका क्या फायदा एक आम आदमी को मिल सकता है, ये हम जानते हैं। देखिए, सरकार की बड़ी अच्छी शुरुआत है। जो आम आदमी है, जो आम बायर्स हैं, खासतौर पर जिन्होंने पैसे लगाए हैं और सपने देखे थे कि हमें जो रियल एस्टेट है, एक घर मिलेगा, एक बिल्डर है, उसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, बिल्डर ने इतनी एडवर्टीजमेंट की है, जब बिल्डर के ऑफिस गए तो हमें एक महसूस हुआ कि शायद हम ठीक लोगों के हाथ में होंगे, हमारे पैसे सही जगह लग रहे होंगे, और उसके बाद में उनको महसूस हुआ कि अब हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पैसे तो गए, बिल्डर जो है उसका जो कोई कमिटमेंट था वो कोई कमिटमेंट नहीं है। पंकज, ये आप अच्छे समझते होंगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा बायर से बात कर रहे हैं और आम जनता काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेके, कोई उनको समाधान नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ वो चक्कर लगाने लग रहे हैं, कभी वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कभी वो कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता क्या सोच रही है, ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसके बाद इस सरकार ने एक कम से कम एक पहल करने की कोशिश की है, एक रेरा लॉ दिखाया है, कानून बनाया है, और उसमें दो जो अहम मुद्दे हैं वो है कि एक तो पेनल्टी है, किसी भी बिल्डर या किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस पर अगर आप पनिशमेंट की बात करें तो उनको डर लगता है कि हम जो कोई काम कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा है। अब देश में रेरा आ गया है। रेरा को होम बायर के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लाया गया। रेरा के बारे में होम बायर ही नहीं, बिल्डर से लेकर ब्रोकर भी इस नए कानून के बारे में जानना चाहते हैं। आखिर क्या है ये, हम आपको बताते हैं कि रेरा है क्या और मकसद क्या है सरकार का इसे लाने का। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
पीएम मोदी की ये स्पीच शायद सभी को याद होगी। 2014 में भारी बहुमत से केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। नरेंद्र मोदी ने लोगों से जीरो टॉलरेंस और गुड गवर्नेंस देने का वादा किया। पीएम ने अपने भाषणों में कई बार कहा कि वो ना तो खाएंगे और ना ही खाने देंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जनता को जो सपना दिखाया था उन्हें पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं। पीएम ने सत्ता में आते ही कहा कि उनका सपना है कि 2022 तक देश के हर नागरिक के पास अपना मकान हो। प्रधानमंत्री की इन बातों को सुनने के बाद आशियाने के आस में बैठे लोगों के सपनों को फिर से एक बार पंख लगे हैं। बिल्डर के धोखाधड़ी में फंसे होम बायर्स जिन्हें पैसा देने के बावजूद भी घर नहीं मिलता, उनकी उम्मीद जगी है और उन्हें भी लगा कि अब उनके भी अच्छे दिन आएंगे और उन्हें अब इनका घर मिल जाएगा। घर के नाम पर बिल्डर लोगों से खूब ठगी कर रहे थे, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार रेरा यानी कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लेकर आई, जिसे मार्च 2016 में संसद में पास कराया गया और 1 मई 2017 से ये कानून देश में लागू किया गया और सभी राज्यों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए। रेरा के रियल एस्टेट में आने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मकान को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी और होम बायर के साथ किसी भी तरह की कोई ठगी नहीं होगी और अगर हुई तो फिर बिल्डर की खैर नहीं। जानकारों के मुताबिक रेरा कानून बिल्डर और प्रॉपर्टी एजेंट पर लागू होगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के तहत बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर करने हैं, ब्रोकरों को भी रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना है और अगर कोई बिल्डर या ब्रोकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो फिर इस प्रोजेक्ट में बिक्री नहीं हो पाएगी। रेरा कानून के तहत बिल्डर को प्रोजेक्ट का 70% पैसा अलग अकाउंट में रखना होगा। जमीन की कीमत भी 70% हिस्से में शामिल होगी। जमीन का बीमा कराना जरूरी होगा और बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी कि किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को अलग से पैसा लगाना होगा। बिना अप्रूवल्स के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होंगे। प्रोजेक्ट के भ्रामक विज्ञापन देने पर भी रोक होगी और घर की बिक्री कार्पेट एरिया के आधार पर होगी। रेरा को लागू करने के लिए हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। हर प्रोजेक्ट को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड करना होगा और प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी मंजूरियां रेगुलेटर को देनी होगी। जानकारों का मानना है कि रेरा के लागू होने से बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगेगी। प्रोजेक्ट लेट होने पर बिल्डरों को हर्जाना देना होगा। लेट होने पर बिल्डर और ग्राहक पर हर्जाने की दर एक होगी। 66% ग्राहकों की मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। बिल्डर दोषी हुआ तो उसको प्रोजेक्ट का 10% जुर्माना देना होगा। रेगुलेटर की बात न मानने पर बिल्डर जेल जा सकते हैं। बिल्डर को प्रोजेक्ट पर 5 साल की गारंटी भी देनी होगी। इतना ही नहीं, रेरा कानून के तहत ग्राहक सीधे रेगुलेटर से शिकायत कर सकेंगे। हर राज्य में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा। 60 दिन में शिकायत पर फैसला लिया जाएगा। इसके तहत जिला कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत की जा सकेगी। साथ ही अगर पेंशन देने में देरी होती तो बिल्डर को होम बायर को हर्जाने के तौर पर कुल रकम पर ब्याज देनी होगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रियल एस्टेट में रेरा कानून लाएगा, लेकिन राज्य इस कानून को अपने ही ढंग से पेश करने में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। पीएम मोदी भ्रष्टाचार और विकास के जिन मुद्दों को लेकर 2014 लोकसभा चुनाव में उतरे थे उन सभी वादों को पूरा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रियल एस्टेट में रेरा कानून लाया गया है, लेकिन राज्य इस कानून को अपने ढंग से पेश करने में जुटे हैं। दरअसल सरकार का मकसद बिल्डर की मनमानी पर रोक लगाने और घर खरीदारों के अधिकारों को सुरक्षित करने का है, लेकिन केंद्र के इस रेरा कानून को राज्यों के राजा अलग ही ढंग से पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने केंद्र के इस कानून का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। तो वही हरियाणा में सीएम खट्टर ने घर खरीदारों का मन खट्टा करते हुए रेरा को हरेरा बना दिया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने होम बायर को करारा झटका दिया है। रेरा के नियमों में बदलाव कर बिल्डर्स को राहत बढ़ा दी है। योगी और खट्टर सरकार ने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की परिभाषा ही बदल दी है, जिसके बाद अब बिल्डर को ना तो कोई जुर्माना देना होगा और ना ही उसे जेल ही हो पाएगी। दोनों राज्यों की सरकारों ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रेरा के दायरे से बाहर कर दिया है, जिससे राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो गए। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रेरा के दायरे से बाहर रखा जा रहा है तो मकान पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा, ये समस्या परे। आखिर उन लोगों का क्या होगा जो कई सालों से अपनी आंखों में घर का सपना संजोए बिल्डरों के चौखट पर धक्के खा रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक गुड़गांव में अभी तैयार हो रहे 90% अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हाल है।
हालांकि रेरा के आने के बाद अब जितने नए प्रोजेक्ट आएंगे उनको रेरा के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन लोगों को बिल्डर अपने जाल में फंसा चुका है वो कैसे बाहर इस जाल से निकलेंगे। और यहां फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रेडियो पार्टनर फॉर रियलिटी मीडिया .in 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। For exclusive offer, contact at 9643037173। बेबाक और बेला खबर के लिए आपके पास है ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा, लेकिन अब होगा खबरों का पोस्टमार्टम। ग्रेटर कश्मीर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक और शानदार तोहफा, उर्दू वीकली नवाए जहलम। हर शनिचर को नवाए जहलम पढ़ें और लफ्जों से टीवी का एहसास पाएं। नजदीकी न्यूज एजेंट से आज ही खरीदें मॉडर्न उर्दू सहाफत का शाहकार वीकली नवाए जहलम। बराए रास्त राब्ते के लिए डायल करें 01942747433, 01942745535। वेलकम बैक। रियलिटी मीडिया टीम विजिटेड हुडा, नोएडा अथॉरिटी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसेज फॉर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट व्हाट वर द गाइडलाइंस ऑफ रेरा फॉर करंट एंड ऑनगोइंग बिल्डर प्रोजेक्ट्स एंड व्हाई टिल डेट देयर आर नो क्लैरिटी ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स अंडर रेरा। बिल्डर्स आर नॉट पेइंग कमीशन टू द ब्रोकर्स स्टेटिंग दैट दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर रेरा। Here the funny part is that the ones seeking this statement are themselves not registered under RERA. Let's see what the revert reality media team got when they went to these departments. Real estate ke bhrashtachariyon par lagam lagane ke liye sarkar RERA layi hai, lekin real estate industry mein RERA ko lekar raar chhid gaya hai. Aakhir kyon RERA ko lekar real industry is waqt jo hai dari hui hai, sahmi hui hai, ye batayenge aapko is report mein. चौदह में केंद्र की सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को 2022 तक अपने घर का सपना दिखाया। पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू की गई। केंद्र की इन घोषणाओं के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में छाए अंधेरे में फिर से चमक धमक पैदा हुई। सबको लगने लगा कि अब मेरा भी अपना घर होगा, लेकिन ये स्कीमें तो उन लोगों के लिए थी जो अपना आशियाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी घर के सपने को पूरा करने में लगा चुके थे। और इसके बावजूद भी उन्हें घर नहीं मिला। केंद्र सरकार ने इसको भी ध्यान में रखा और रियल एस्टेट में बेखौफ बिल्डरों पर शिकंजा कसने के लिए मार्च 2016 में संसद में रेरा एक्ट पास किया गया और 1 मई 2017 से ये कानून देश में लागू हुआ। लोग आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई गुल्लकें तोड़ रहे थे और बिल्डर लोगों के सपने को ही चकनाचूर करने में लगे थे। ऐसे में सरकार ने लोगों के टूटते हुए घर के सपनों को संजोने की कोशिश की और रेरा कानून लाया गया, जिससे मकान पीड़ितों को लगा कि अब मुझे भी न्याय मिलेगा। काम आगे बढ़ा दिया हमने, करीब 15 लाख रुपए इनको अभी तक दिया है। 15 लाख रुपए लेने के बाद आम्रपाली से आज तक न कोई चिट्ठी आई है न कुछ आया। मेरी पत्नी, मैं अपने अपने बच्चे के साथ आया हूँ, अपने बेटे को भी दिखाने आया हूँ कि देखो
कि तुम्हारे मोदी अंकल और योगी अंकल और सब मिलके कैसा हमारे साथ सब करते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रेरा लागू करने की डेडलाइन दी है, लेकिन रेरा को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है कि आखिर इस कानून के आने से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। रेरा के बारे में ना तो राज्य सरकारें कुछ बताने को तैयार है और ना ही सरकारी तंत्र। हम लोगों को क्या पता रेरा क्या नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पढ़ने आता इंग्लिश में, ठीक है हिंदी में नहीं समझ में आ रहा। आप ये कहीं के क्लासेस करवाओ कि आज ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में 200 डीलर चले आओ जी, ये रेरा का मतलब है, ठीक है, पता नहीं रेरा क्या है। और होम बायर्स को उत्सुकता है कि आखिर रेरा के आने से उसके आशियाने का सपना कैसे पूरा होगा, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं है और होम बायर अभी भी परेशान है। पहले वो बिल्डर के चक्कर काट रहा था और अब सरकारी दफ्तरों के। रियल्टी मीडिया की टीम ने जब हुड्डा अथॉरिटी जाकर अधिकारियों से रेरा के बारे में जानने की कोशिश की तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। Well, the question here is the government being liberal with the builders? And if yes, then why? On the other hand, Allahabad court has denied removing seal from 1060 flats of Supertex Cesar suits. So, on one hand, we can see severe action taken by from court, but the government is still on the salad mode. बात सरकार की है तो देखते हैं नोएडा विधायक पंकज सिंह रियल्टी मीडिया के माध्यम से बायर्स को क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये विश्वास लोगों का सरकार में सत्ता में रिस्टोर करने का काम हमारी योगी की जी की सरकार करेगी और आप बायर्स के साथ इंसाफ होगा, ये मैं आपके रियलिटी मीडिया के माध्यम से मैं भरोसा में देना चाहूंगा। तो रेरा पर राज चढ़ गया है, रियल एस्टेट सेक्टर के अलग अलग वर्गों का क्या कुछ कहना है जानते हैं नॉरेडको के वाइस प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर आर आर सिंह से। द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल है, बिल नहीं है बट ये एक्ट हो गया है 2016 में और सारे मोस्ट स्टेट्स जो है इसके रूल्स भी बना लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ड्रॉप रूल जो है बना करके जो कि अप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरीज के लिए वो बना करके अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भेज दिया है। तो इसका जो कि इम्प्लीमेंटेशन था चल रहा था एक साल से, 1 मई को इसको जो है नोटिफाई किया गया है पूरे रूल पूरे एक्ट को और उसके बाद 3 महीने का टाइम था उसको सारे लोगों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अप टू 31 जुलाई। तो 31 जुलाई का डेट भी अब पास हो गया है तो नाउ ऑल द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर सपोज टू बी ऑन दैट इज व्हिच इज अंडर कंस्ट्रक्शन और एनी न्यू प्रोजेक्ट व्हिच इज लॉन्च्ड इन दिस पीरियड शुड हैव बीन रजिस्टर्ड। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड विल रिटर्न बैक टू रियलिटी मीडिया, स्टे ट्यून्ड। रेडियो पार्टनर फॉर रियलिटी मीडिया .in 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। For exclusive offer, contact at 9643037173। बेबाक और बेलाग खबर के लिए आपके पास है ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा, लेकिन अब होगा खबरों का पोस्टमार्टम। ग्रेटर कश्मीर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक और शानदार तोहफा उर्दू वीकली नवाए जहलम। हर शनिचर को नवाए जहलम पढ़ें और लफ्जों से टीवी का एहसास पाएं। नजदीकी न्यूज एजेंट से आज ही खरीदें मॉडर्न उर्दू सहाफत का शाहकार वीकली नवाए जहलम
برائے راست رابطے کے لیے ڈائل کریں 01942747439 01942745535 बेटी की शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की चिक चिक। उधर 12 महीने की लीज के 10 महीने हो चुके हैं, अब लीज बढ़वाई तो ब्रोकर कमीशन मांग लेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाए। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। फॉर बुकिंग्स कॉल नाउ। रियल एस्टेट में बिल्डरों की दबंगई पर लगाम लगाने के लिए रेरा लाया जा रहा है। अब देश में सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जिससे ना तो क्लाइंट को जगह जगह धक्के खाने होंगे और ना ही बिल्डर को। रेरा के आने से पहले बिल्डर को क्या कुछ झेलना पड़ा था, दिखाते आपको हमारे इस रिपोर्ट में। बैंक को देना पैसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे मकान हमें दो, हमें दो, हमें दो। होम बायर की बहुत सी शिकायतें, दर्द आपने सुने होंगे और बिल्डर्स के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी देखा होगा। लेकिन रियल एस्टेट के रियल मैन यानी बिल्डर का दर्द भी क्या किसी ने कभी महसूस किया? मान लिया कि पजेशन देने में देरी का जिम्मेदार बिल्डर है। जो घर लोगों को मिल गए उनमें बुनियादी सुविधाएं देने का जो वादा बिल्डर ने किया था वो भी पूरा नहीं किया। एक शब्द में कहें तो बिल्डर धोखेबाज है। क्या इन सब के पीछे की वजह को भी किसी ने जाना? आज भी कुछ ऐसे ईमानदार बिल्डर हैं जो वादे कम और काम ज्यादा करते हैं और लोगों के सपनों को पूरा करने का सपना ही वो खुद देखते हैं। लेकिन हमारे देश का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि ईमानदार लोगों को काम करने कहां दिया जाता है। बात करें अगर दिल्ली से सटे नोएडा की, तो इस इलाके के कुछ अपने ही अलग रूल्स हैं और इसलिए यहां रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा धांधली होती है। और यूपी का कानून कितना कड़ा है ये शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं। होम बायर्स कहती हैं कि घर देने के नाम पर उनके सपनों से बिल्डर्स खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई सारी गलतियां बिल्डर्स की हैं? क्या लोगों को घर मिलने में जो देरी हो रही है उसका असल जिम्मेदार बिल्डर है? इसके पीछे सिस्टम का भी एक बड़ा हाथ है। लोगों को घर मुहैया कराने के लिए बिल्डर्स को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रेरा के आने से पहले हमारे देश में रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी तरह की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। ऐसी कोई प्रॉपर एजेंसी नहीं थी जो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट कर सकी। रियल एस्टेट सेक्टर में कोई नियम कायदे नहीं थे, लेकिन हर स्टेट के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और एरिया वाइज ये नियम कायदे भी बदल जाते हैं। बिल्डर को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लगभग 60 तरह के अप्रूवल लेने पड़ते हैं और सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होने की वजह से अप्रूवल का यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होने से अप्रूवल जल्दी नहीं मिल पाता और 3 साल में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट में 5 से 6 साल लग जाते हैं। वहीं कई मामले तो ऐसे भी आए हैं जहां बिल्डर ने तय समय सीमा के मुताबिक प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन पजेशन देने का वक्त जब आया
तो अथॉरिटी ने कुछ खुद की खामियों का ठीकरा बिल्डर पर फोड़कर सारे किए कराए पे पानी फेर दिया और अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया। सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है आम जनता की सहायता के, लेकिन हम सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं थोप सकते। हम सबों की जिम्मेदारी है, हमें जागरूक होना पड़ेगा। realtymedia.in इसी जागरूकता के लिए प्रयासरत है। आप रजिस्टर करें realtymedia.in पर, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रियल एस्टेट की ताजा तरीन खबरों से अवगत हो सके। Stay tuned for more updates from realtymedia.in and register yourself to get the latest updates on real estate. Thank you so much. Stay tuned. Radio partner for realitymedia.in 92.7 Big FM. Suno sunao, life banao. For exclusive offer, contact at 9643037173. बेबाक और बेलाग खबर के लिए आपके पास है ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा, लेकिन अब होगा खबरों का पोस्टमार्टम। ग्रेटर कश्मीर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक और शानदार तोहफा, उर्दू वीकली नवाए जहलम। हर शनिचर को नवाए जहलम पढ़ें और लफ्जों से टीवी का एहसास पाएं। नजदीकी न्यूज एजेंट से आज ही खरीदें। मॉडर्न उर्दू सहाफत का शाहकार वीकली नवाए जहलम। बराए रास्त राब्ते के लिए डायल करें 01942724433, 01942745535। बेटी की शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की चिक चिक। उधर 12 महीने की लीज के 10 महीने हो चुके हैं, अब लीज बढ़वाई तो ब्रोकर कमीशन मांग लेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाए। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। फॉर बुकिंग्स कॉल नाउ